गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हरीश बेटा वॉइस म्यूट कर लीजिए। देखिए, आत्म परिचय कविता हम पढ़ रहे थे और बेटा कुछ बच्चे अपने कैमरे को भी ऑन कीजिए ताकि आप किस स्थिति में बैठे हैं, कैसे क्या पढ़ रहे हैं पता रहे। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए, आत्म परिचय कविता हम पढ़ रहे थे, दो भाग हमने पढ़ा है। वॉइस बेटा सबको म्यूट रखनी है। अमित यादव, किरण जाट बेटा वॉइस को म्यूट करें। मनोहर ठाकुर है, यश मालपानी है, वॉइस म्यूट करें। और अपना कैमरा ऑन रखें, सभी बच्चे कैमरा ऑन रखें बेटा। देखिए, हमारी कविता है आत्म परिचय, दो भाग हमने इसके पढ़ लिए हैं। अंतिम जो पद बचे हैं उन्हें आज हम पढ़कर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यहाँ रोदन का मतलब होता है रोना और राग का अर्थ होता है प्रेम। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तो रो रहा हूं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं प्रेम लेकर घूम रहा हूं। दोनों बातें परस्पर विरोधी है। यहां विरोधाभास अलंकार है, आप नोट कर लें। रोना और प्रेम करना परस्पर विरोधी बातें हैं, इसीलिए यहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए, अपना कैमरा ऑन करें सभी। इसके बाद देखिए, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। यहां जहां शीतलता है वहां आग नहीं हो सकती, और जहां आग है तो वहां शीतलता नहीं हो सकती। यहां भी विरोधाभास अलंकार है, दोनों पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। अब हम भावार्थ देखते हैं। निज यानी स्वयं, मैं, रोदन यानी रोना, और क्यों रो रहे हैं तो आप लिख लीजिए वियोग में। मैं वियोग में रो रहा हूं, पत्नी के वियोग में रो रहा हूं। राग यानी प्रेम, फिर भी प्रेम लेकर घूम रहा हूं। अर्थात इस वियोग अवस्था का समय प्रेम के सहारे से मैं अब व्यतीत कर रहा हूं। मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, फिर भी प्रेम लेकर घूम रहा हूं। मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन हृदय में आग कहां पर होगी? हृदय में। वाणी तो शीतल है, लेकिन ये आग कहां होगी? हृदय में। और कौन सी आग है?
वियोग रूपी, ये कलम अग्नि के पहले वियोग लिखा था, तो आज भी वही बात है, वही अग्नि है, वियोग रूपी हृदय में वियोग रूपी आग लेकर घूम रहा हूं। मेरी वाणी तो शीतल है लेकिन हृदय में वियोग रूपी आग लेकर घूम रहा हूं। यानी मैं लोगों से तो शीतल वाणी में मधुरता के साथ बातचीत करता हूं, लेकिन वास्तव में मेरे हृदय में वो वियोग रूपी अग्नि है। मैं बहुत दुखी हूं, पीड़ित हूं। वो जिस पर, जिसका अर्थ यहां हृदय से लगाया गया है, जिसका अर्थ यहां हृदय के लिए है, मेरे हृदय पर तो भूपों का अर्थ है राजाओं, मेरे हृदय पर तो राजाओं के प्रासाद यानी महल, प्रासाद महल, निछावर यानी न्योछावर, बेटा मीनिंग्स वगैरह आप लिखते रहें, सभी बच्चे मीनिंग्स वगैरह जरूर लिखें। अब बेटा अपना जो कैमरा है ऑन करें। हरीश, आकांक्षा, नंदिनी, अमित, बेटा कैमरा ऑन करें अपना। कैमरा ऑन ही रखे बेटा, जिससे क्या है आप किस स्थिति में कैसे क्या पढ़ रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं या बिल्कुल आप सावधानी से एकाग्रता से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, कैमरा ऑन रखे, शाबाश। ऑन ही रखे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके इतने वीडियो आते हैं आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई आपका जो नेट चार्ज है वो खर्च नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। वेरी गुड, मीनिंग्स आप बेटा जरूर बुक लेके, नोटबुक लेके बैठे, मीनिंग्स जरूर आप लिखते रहे। अरे आजाद बेटा ड्रेस कोड के साथ बैठा करो, है ना, ठीक है, ओके, आज तो कोई बात नहीं है, पढ़िए। जिसका अर्थ यहाँ हृदय से है, भूपो यानी राजाओं के, प्रासाद यानी महल, और निछावर यानी न्यूछावर। कवि ये कह रहे हैं कि मेरे हृदय पर फोटो साफ नहीं आ रही, राजाओं के फोटो साफ नहीं आ रही मेरी, फोटो साफ नहीं सर, वो बोर्ड ही साफ नहीं आ रही, बोर्ड साफ नहीं आ रहा। अच्छा चलो मैं, ठीक है, थोड़ा सा देखता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा तो मैंने ठीक किया है, और फिर अगर दिक्कत आएगी तो मैं बोल रहा हूँ, फिर इस क्लास के बाद एक बार दिखवाता हूँ क्या मिस्टेक है, ओके। मैं बोल रहा हूँ, आप आराम से देखें और लिखें। मेरे हृदय पर राजाओं की महल भी न्योछावर हो जाते थे। देखो कवि क्या कह रहे हैं, मेरे हृदय पर तो राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते थे। मेरा हृदय ऐसा था कि मैं अपने मन से, अपने हृदय से कोई कविता अगर सुना देता था ना बना करके, तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाते थे और पूरा महल ही न्योछावर कर देते थे, कहने लग जाते थे कि बोलिए तुम्हें क्या चाहिए, बहुत अच्छी कविता मैं अपने हृदय से बना लेता था। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते थे। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, अपने हृदय को अब क्या बता दिया, खंडर का भाग, लेकिन वही मेरा हृदय खंडर का एक भाग बन गया है, आज खंडर के समान हो गया है जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। वापस सुने,
मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूँ, फिर भी प्रेम लेकर घूम रहा हूँ। अर्थात पत्नी के वियोग में दुखी तो हूँ, पीड़ित तो हूँ, लेकिन प्रेम के सहारे से अब जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है। वियोग रूपी आग को लेकर मैं घूम रहा हूँ। मेरे हृदय पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते थे, मेरे हृदय पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते थे। अर्थात हृदय से कोई कविता बनाकर राजा को सुनाता था तो राजा प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन मेरा वही हृदय, जिस हृदय पर राजाओं के महल न्योछावर हो जाते थे, मेरा वही हृदय आज खंडहर का एक भाग हो गया है, खंडहर के समान हो गया है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि ने अपने हृदय को खंडहर का भाग क्यों बता दिया? तो आप बताएंगे कि जिस प्रकार अगर किसी घर में कोई परिवार रहता है तो वह घर अच्छा होता है, और जब किसी घर में कोई रहता ही नहीं है तो जल्दी वह घर खंडहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि के हृदय में इनकी पत्नी रहा करती थी, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद इनके हृदय में रहने वाली कोई भी नहीं है, इसलिए उस वियोग की पीड़ा के कारण इन्होंने अपने हृदय को खंडहर बता दिया है। वियोग की पीड़ा के कारण कवि ने अपने हृदय को खंडहर का भाग या खंडहर के समान बताया। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। आप जानते हैं कवि क्यों रोता है पत्नी के वियोग में? मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं, तो इसको तुम का मतलब है हमारे लिए कह रहे हैं लोग। मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं तो लोग इसे गाना कहते हैं। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ने का मतलब है हृदय से शब्द निकलना। मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं, फूट पड़ने का मतलब यहां जोर से रोना नहीं है, हृदय से शब्दों का निकलना। मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं तो लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। जब मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं तो लोग इसे गाना कहते हैं, और जब मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं तो लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। पहले अंतिम लाइन में चलेंगे, मैं दुनिया का एक नया दीवाना से पहले लिखो प्रेम, दीवाना से पहले प्रेम लिख लीजिए। मैं दुनिया का एक नया प्रेम दीवाना हूं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? फिर इस संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन अपने आप को एक प्रेम दीवाना मान रहे हैं, इसलिए ये कहते हैं कि मुझे संसार के लोग, मैं तो एक नया प्रेम दीवाना हूं, फिर भी संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? मैं कवि नहीं हूं, मैं तो एक प्रेम दीवाना हूं। अपने आप को ये प्रेम दीवाना मानते हैं, कवि नहीं मानते। वापस से देखो, मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं तो इसे लोग गाना कहते हैं, मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं तो लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। मैं दुनिया का एक नया प्रेम दीवाना हूं, फिर भी संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? आगे बढ़ते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। अभी पहले बताया था कौन से दीवाने, प्रेम दीवाने, दीवाने से पहले प्रेम लिख लीजिए। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूं। मादकता ऐसे ही रहने दीजिए। निशेष यानी संपूर्ण हृदय, निशेष यानी संपूर्ण हृदय,
मेरे संपूर्ण हृदय में मादकता भरी है, मेरे संपूर्ण हृदय में मादकता भरी है, नशा भरा है। किसका? प्रेम का। तभी शुरू से हालावादी दर्शन में जो नशा है शराब की तरह, वो प्रेम का बताया है, तो यहां भी मादकता प्रेम की बताया है। मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी है, प्रेम का नशा भरा है, जिसे लेकर मैं घूम रहा। फिर अंतिम लाइन में चलेंगे, अंतिम पंक्ति में, मैं मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूं, जिसे सुनकर संसार के लोग, जग का अर्थ यहां लोग हैं, जिसे सुनकर संसार के लोग झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं। इन तीनों का अर्थ एक ही है, नाचते हैं, अर्थात नाचते। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूं, मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी है, प्रेम का नशा भरा है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। मैं मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूं, जिसे सुनकर संसार के लोग झूमते हैं, झुकते हैं और लहराते हैं। वापस एक बार देखते हैं हम। मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, फिर भी प्रेम लेकर घूम रहा हूं, मेरी वाणी तो शीतल है लेकिन हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है, वियोग रूपी आग है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। मेरे हृदय पर तो राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते थे, लेकिन वही मेरा हृदय जिस पर राजाओं के महल न्यौछावर हो जाते थे, वही मेरा हृदय खंडर का भाग हो गया है, खंडहर के समान हो गया है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं तो लोग इसे गाना कहते हैं, मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं तो लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। मैं इस दुनिया का एक नया प्रेम दीवाना हूं, फिर भी लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं। मैं एक कवि नहीं हूं, मैं तो एक प्रेम दीवाना हूं। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूं, जैसे प्रेम दीवाने घूमते हैं ना, वैसे ही मैं घूम रहा हूं। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूं, मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम का नशा भरा हुआ है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। मैं मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूं, जिसे सुनकर संसार के लोग झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं, अर्थात नाचते हैं। ये हमारी आत्म परिचय कविता कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक छोटा सा गीत है, इसी कविता के लास्ट में एक छोटा सा गीत दिया हुआ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये गीत देखो, इसमें कवि क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी कार्य को एकाग्रता के साथ करते हैं, मन लगाकर करते हैं, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ या बीतता हुआ प्रतीत होता है। समय बिल्कुल जल्दी जल्दी गुजर जाता है, बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हमारा मन नहीं होता है, हमारी एकाग्रता नहीं होती है, तो हमें वही दिन बहुत बड़ा लगता है, यानी समय बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप एकाग्रता से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो पढ़ाई में आपका मन नहीं होता है, केवल मम्मी पापा के कहने से या दबाव में आप बुक या नोटबुक लेके बैठे हैं, तो हमें वही समय बहुत बड़ा लगता है, समय बीतता ही नहीं है, समय निकलता ही नहीं है, समय व्यतीत ही नहीं होता है। तो यहाँ इस गीत में कवि ने यही सिखाया है कि एकाग्रता से मन लगा करके और हम कोई कार्य करें
तो दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, पता ही नहीं चलता है, समय व्यतीत होता रहता है। तो देखते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच करके थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है और वही दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पहला पद इस गीत का। दूसरा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता इतनी चंचलता है, और फिर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और अंतिम पद है, मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पदों को, भरता उर्मे वॉइस म्यूट रखे, आजाद महावीर वॉइस म्यूट रखे, वॉइस को म्यूट कर लीजिए। भरता उर्मे विफलता है, और फिर अंतिम पंक्ति है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, बहुत सरल सा गीत है। क्या कह रहे हैं कवि, हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ यानी मार्ग या रास्ता, कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए, कहीं रास्ते में रात नहीं हो जाए, मंजिल भी तो है दूर
नहीं, मंजिल भी अब मेरी अधिक दूर नहीं है। एक जो राहगीर होता है जब रास्ते में चलता है तो यही बात सोचता है कि कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए, मेरी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है। ये महावीर चौधरी म्यूट क्यों नहीं करते बेटा बताने के बाद भी? कहीं रास्ते में रात नहीं हो जाए, मेरी मंजिल भी दूर नहीं है, यही सोचकर थका हुआ दिन का पंथी यानी राहगीर, पंथी यानी राहगीर जो दिन भर से चल रहा था, सुबह से चल रहा था, वो थका हुआ दिन का थका हुआ राहगीर भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो थका हुआ है, सुबह से चल रहा है, लेकिन फिर भी जब वो ये सोचता है कि कहीं रास्ते में रात नहीं हो जाए, मेरी मंजिल भी अब अधिक दूर नहीं है, यह सोचकर दिन का वो थका हुआ राहगीर भी जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसके एक ही सोच है, मुझे जल्दी से अंधेरा होने से पहले, रात होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो ऐसा सोचकर वो जब जल्दी जल्दी चलता है तो दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है, अर्थात समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, वो दिन जल्दी जल्दी बीतता हुआ उसे प्रतीत होता है। या देखो जल्दी जल्दी शब्द लगातार दो बार आया है, जल्दी जल्दी और अर्थ एक ही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, नोट कर लीजिए, प्रकाश अलंकार है, जल्दी जल्दी एक जैसा शब्द दो बार आया है, अर्थ एक समान है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखो बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा बोलते हैं इंतजार, प्रत्याशा यानी इंतजार, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। नीड़ों का अर्थ है घोंसले, घोंसलों से, नीड़ यानी घोंसला, घोंसलों से झांक रहे होंगे यानी देख रहे होंगे, झांकने का अर्थ है देखना, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से देख रहे होंगे, यह ध्यान परो यानी पंखों में, परो यानी पंखों में, चिड़िया के, चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देता है, यही ध्यान चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देता है। कौन सा ध्यान? कि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने के लिए खेतों की ओर आ गई ना, तब वो चिड़िया के ध्यान आता है क्या, कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से देख रहे होंगे, यह ध्यान चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देता है। अर्थात चिड़िया तेजी से जल्दी जल्दी चंचलता से उड़ती है घोंसलों की ओर जाने के लिए, बच्चों के पास जाने के लिए, तो दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है, अर्थात उस चिड़िया के लिए वो समय वो दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कहाँ है, अपने घोंसलों की ओर, अपने बच्चों की ओर, कि मुझे जल्दी से दाना लेकर उनकी ओर चलना है। तो जब वो ऐसा ध्यान लगा करके तेजी से चंचलता से वो उड़ती है तो उसके लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। देखो राहगीर को अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंचना था, इसलिए उसका ध्यान वही था और दिन जल्दी जल्दी बीत रहा था। चिड़िया को अपने बच्चों के पास पहुंचना है, अपने घोंसलों की तरफ पहुंचना है, इसलिए उसे भी दिन जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यहां देखें, मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल यानी व्याकुल है। कवि की पत्नी थी वो तो मृत्यु हो चुकी है, अब घर पर कोई है ही नहीं, तो कवि कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, अर्थात कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके हित के लिए चंचल बनूं,
चंचल हूं अर्थात जल्दी जल्दी मैं क्यों चलूं? यही प्रश्न पदों यानी पैरों को शिथिल, कदमों को शिथिल कर देता है। यही प्रश्न मेरे पदों यानी पैरों को कदमों को शिथिल कर देता है और मेरे और यानी हृदय में विफलता यानी व्याकुलता, विफलता यानी व्याकुलता भर देता है। वॉइस म्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए कवि ये कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई है ही नहीं मुझसे मिलने के लिए। घर पर मेरी पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है, मैं किसके हित के लिए चंचल बनूं, मैं जल्दी जल्दी क्यों चलूं? यह प्रश्न मेरे पदों यानी कदमों को शिथिल कर देता है। फिर मैं धीमा धीमा चलने लग जाता हूं और मेरे हृदय में व्याकुलता भर देता है। ऐसा प्रश्न मेरे कदमों को भी शिथिल कर देता है और मेरे हृदय में भी व्याकुलता भर देता है और उसी व्याकुलता में मेरा दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है, जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का दिन उस व्याकुलता में बीतता हुआ प्रतीत होता है। तो अब हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप भावार्थ करें, इन तीनों का भावार्थ कर लें और जो गीत है उसका पहला पद, इसकी सप्रसंग व्याख्या।